हेलो फ्रेंड्स, डीके सिन्हा दिस साइड। इन्वेस्टिंग दोस्तों एक इतना इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है हमारे जिंदगी का कि बहुत कम लोग हैं जो सफलता पूर्वक मार्केट में या किसी अलग असेट क्लास में इन्वेस्टमेंट कर पाते। क्या इन्वेस्टिंग सिंपल है? आप क्या सोचते हैं, इसका कमेंट्स जरूर कीजिएगा दोस्तों। क्या इन्वेस्टिंग स्ट्रेस फ्री हो सकती है? तो मैं बोलूंगा हो सकती है, लेकिन उसके लिए आपको ये वीडियो अंत तक देखना होगा, इन्वेस्टिंग के होलिस्टिक कॉन्सेप्ट को समझना होगा। क्या स्ट्रेस फ्री इन्वेस्टिंग इवन पॉसिबल है? तो मैं बोलूंगा यस पॉसिबल, लेकिन उसके लिए आपको अगेन कॉन्सेप्ट को पूरा समझना होगा। जब भी हम निवेश करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, तो उसका कारण क्या है कि हमने जो इन्वेस्टमेंट किया है वो एक ग्रो करे और वेल्थ के रूप में क्रिएट करे, और वो इतना ग्रो करे कि जो महंगाई का इफेक्ट है, इन्फ्लेशन का इफेक्ट है, उस रेट से अधिक ग्रो करे, तभी तो वेल्थ क्रिएशन होगा। अगर हमारा इन्वेस्टमेंट इन्फ्लेशन रेट से कम ग्रो कर रहा है तो उसकी परचेजिंग पावर दिन प्रतिदिन घट रही है। तो इस वीडियो में आप सीखेंगे कि इन्वेस्टमेंट सिंपल भी हो सकती है, स्ट्रेस फ्री भी हो सकती है, और वो पॉसिबल भी हो सकती है। तो दोस्तों वीडियो को ढेर सारे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए नोटिफिकेशन के लिए, ताकि आप हमेशा अपडेटेड रहें। चलिए इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं ताकि आपके लिए आपकी इन्वेस्टमेंट की यात्रा आसान बन सके। इन्वेस्टमेंट के सिंपल कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं, और उस कहानी को ध्यान से सुनिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। एक राजा था, और राजा चेस खेलने में, शतरंज खेलने में बहुत शौकीन था। उसके दरबार के कक्ष में चेस का बोर्ड हमेशा लगा रहता था, और वो अपनी प्रजा में से किसी को भी बुला लेता था और चेस खेलता। जब वो चेस के गेम में जीतता था तो उसे बड़ी खुशी मिलती थी, क्योंकि वो राजा था। लेकिन जब कोई व्यक्ति उससे जीत जाता था, चेस के गेम में, शतरंज के खेल में जीत जाता था, तो उसे वो ऑफर करता था कि आप उस राजा से कुछ भी डिमांड कर सकते हैं ताकि वो उसे रिवार्ड कर सके। तो राजा ने एक फार्मर को, एक किसान को पकड़ा और उसके साथ चेस खेला, और चेस में राजा हार गया, यानी किसान जीत गया। तो राजा ने बोला कि तुम अपनी इच्छा अनुसार मेरे से कुछ भी मांगो, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। किसान बहुत स्मार्ट था, तो किसान ने बोला कि हमने चेस का गेम खेला है, तो इस शतरंज के खेल के अलग अलग खाने हैं, तो उन खाने में, पहले खाने में आप गेहूं का एक दाना डालिए, दूसरे खाने में दो दाने डालिए, तीसरे खाने में चार दाने डालिए, और चौथे खाने में आठ दाने डालिए। इस तरह से दानों को बढ़ाते जाइए, और जितने भी दाने होते हैं इस कैलकुलेशन के आधार पर, वो मुझे रिवार्ड के रूप में दे दीजिए। राजा बड़ा खुश हुआ कि चलो मैं तो सस्ते में निपट गया, इस किसान ने कुछ खास नहीं मांगा है। अब उसके मंत्री लगे इस कैलकुलेशन को करने में, क्योंकि उसमें गणित इन्वॉल्व थी, मैथ इन्वॉल्व थी। तो उसके जो राजा का जो वित्त मंत्री था, फाइनेंस मिनिस्टर था, उसने इस कैलकुलेशन को किया तो क्या पाया, चलिए उसे समझते हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि क्या आपने ये कैलकुलेशन करके कभी देखा है, और नहीं देखा है तो शायद आपको एक्सेल की शीट इस्तेमाल करनी पड़े, या आज के जमाने में कमांड देना पड़े एआई टूल्स के ऊपर में, जैसे चैट जीपीटी है, बार्ड है, तो ये कैलकुलेशन आ जाएगा। तो अल्टीमेटली दोस्तों कैलकुलेशन आया क्या?
ये अत्यंत आवश्यक है और इंटरेस्टिंग भी है समझना। तो ये देखिए आपके स्क्रीन के ऊपर में ये फिगर है जो गेहूं के दानों का कैलकुलेशन निकल के आता है। अब ये बहुत बड़ा फिगर है तो चिंता मत कीजिए, अगर इसे मैं क्विंटल में कन्वर्ट करूं तो करीब 18.44 क्विंटल ये गेहूं होता है। तो किसान स्मार्ट होने के कारण उसने क्या किया, उसने पावर ऑफ कंपाउंडिंग का इस्तेमाल किया। अल्बर्ट आइंस्टीन ने इसीलिए बोला है कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग जो है वो दुनिया का आठवां आश्चर्य है, एर्थ वंडर है। स्टॉक मार्केट में कई लोग ऐसे काम करते हैं कि उनका एक्सपेक्टेशन रहता है कि स्टॉक मार्केट में मल्टीपल ट्रेड्स को लेके वो 6 महीने में 1 साल में पैसे को डबल करना चाहते हैं। इस तरह के टॉल क्लेम्स आपको सोशल मीडिया में भी नजर आएंगे, उन पे कतई भी विश्वास मत कीजिए, क्योंकि अल्टीमेटली आपको देखना किस तरफ है, वारन बुफे की तरफ देखना है, लेट राकेश झुंझुनवाला की तरफ देखना है कि उनका एवरेज रिटर्न क्या आता है। दोस्तों पावर ऑफ कंपाउंडिंग का इस्तेमाल करना लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप सीरियस हैं मार्केट के प्रति तो आपको ये कॉन्सेप्ट को कभी नहीं भूलना है जो मैंने आपको ये चेस बोर्ड का या शतरंज का एग्जाम्पल दिया। 15 से 20% के रेंज में भी एनुअल रिटर्न एक बेहतरीन रिटर्न हो सकता है और कंसिस्टेंटली आप मार्केट में अपने वेल्थ को क्रिएट कर सकते हैं। बेसिकली आप देखा जाए तो मार्केट में 2 वेरिएबल्स है वेल्थ क्रिएशन करने की प्रोसेस में, और पावर ऑफ कंपाउंडिंग को आपके फेवर में काम करने की रूप में अगर देखें तो, और वो 2 वेरिएबल्स क्या है, रेट ऑफ रिटर्न आपको क्या मिल रहा है और कितने दिनों तक आप मार्केट में टिके हुए हैं, इन्वेस्टमेंट करते जा रहे हैं। तो अगर आपने अपने करियर को स्टार्ट किया है 25 साल की उम्र में, ग्रेजुएशन को कंप्लीट किया, जॉब में आए 25 साल की उम्र में है, हम ये मान के भी चलें कि शुरू के 5 साल आपने नई इनकम चालू की है, आपके पास पैसे आने लगे हैं, अभी तक आप पेरेंट्स के पैसे पे डिपेंड करते थे, अब इंडिपेंडेंट हो गए हैं, तो 5 साल चले गए मौज मस्ती में। फिर भी दोस्तों आपके पास 30 साल का वक्त बचता है आपके रिटायरमेंट की एज 60 होने तक। क्या मैं सही बोल रहा हूं? अगर आप इससे सहमत हैं तो इस वीडियो को कमेंट सेक्शन में यस करके जरूर टाइप कीजिए। तो दोस्तों 30 साल का वक्त बहुत बड़ा वक्त है, केवल हमें प्रॉपर तरीके से प्लान करना होगा इन्वेस्टमेंट करने के लिए। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं कि किस तरह से स्टेप बाय स्टेप आप उस दिशा में आगे बढ़ सकते हैं, और अगर ऐसा करते हैं तो दोस्तों आप स्ट्रेस फ्री इन्वेस्टमेंट की दिशा में अपने कदम को बढ़ा रहे हैं। अब आपको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने एक टेबल तैयार की है और उस टेबल को मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, ध्यान से देखिएगा उसको कि किस तरह से रेट ऑफ रिटर्न एंड टेन्योर ऑफ इन्वेस्टमेंट इफेक्ट डालते हैं ओवरऑल वेल्थ क्रिएशन की प्रोसेस में। अगर आपने 100 रुपए का इन्वेस्टमेंट किया तो 1 साल के बाद अगर 5% का रिटर्न मिल रहा है पर एनम तो वो 105 रुपए होगा, 10% का रिटर्न मिल रहा है तो 161 होगा, और 20% का रिटर्न मिल रहा है तो 120 होगा। साथ में 15% की भी कॉलम को क्रिएट हमने किया है। 5 साल के बाद वो मनी 128 रुपीज होगी 5% पे, 161 होगी 10% पे, और 201 होगी 15% पे, और 20% पे होगी 249 रुपीज। 10 साल में क्या होगा, 163 रुपीज, 259 रुपीज, 405 रुपीज, 619 रुपीज। 15 साल में क्या होगा, 208, 418, 814 एंड 1541। आपके पास 30 साल का वक्त बाकी था दोस्तों रिटायरमेंट में, जैसा अभी हमने चर्चा किया। 25 साल में क्या हो, 25 साल में 5% के रिटर्न पे आपको 100 रुपए के अगेंस्ट में होंगे 339 रुपीज। 10% के रेट से अगर इंटरेस्ट मिलता है या रिटर्न मिलता है तो वो होंगे 1083 रुपीज। 15% के हिसाब से 25 साल में वो होंगे 100 रुपए 3292 रुपए।
और 20% के हिसाब से रिटर्न मिला तो वो होगा 9,540 रुपीज। कितने टाइम्स पैसे ग्रो किए, 25 साल में 100 रुपए जो ग्रो किए वो 3.39 टाइम्स ग्रो किए, अगर आपको 5% का एनुअल रिटर्न मिलता है जो बैंक के एफडी में भी मिल जाता है। 10% के रिटर्न पे 10.83 टाइम्स पैसा हो गया, और 15% के रिटर्न पे वो हो गया 32.92 टाइम्स, और 20% पे कितना हुआ, 95.4 टाइम्स आपका वेल्थ ग्रो कर गया। ये है पावर ऑफ कंपाउंडिंग जो हमने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की इस सिंपल टेबल के आधार पर। इस कैलकुलेशन से एक बात तो क्लियर हो गई दोस्तों, ये है पावर ऑफ कंपाउंडिंग का रिजल्ट। अब ये तो हो गई थ्योरी, इससे ये पता लगता है कि ये तो पॉसिबल है कि स्ट्रेस फ्री इन्वेस्टमेंट करते हुए हम एक बड़ा वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। तो क्या प्रोसेस होनी चाहिए, कुछ बातें मुख्य हैं अगर आप यंग हैं तो आपको दिमाग में रखनी है। हमेशा इन्वेस्टेड रहिए फॉर लॉन्ग टर्म। नंबर टू, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट पे आप डिपेंड कर सकते हैं, उसमें रूपी कॉस्ट एवरेजिंग आपके फेवर में काम करता है। इन्वेस्ट करें कंसिस्टेंटली, और सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि अगर हिस्टोरिकली देखें तो स्टॉक्स जो हैं, शेयर्स जो हैं, वो प्राइमरीली बेस्ट असेट क्लास माने जाते हैं। इन्वेस्टमेंट करने के कई तरीके हो सकते हैं, गोल्ड में निवेश कर सकते हैं, रियल एस्टेट में निवेश कर सकते हैं, बहुत सारे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं, लेकिन स्टॉक्स एक ऐसा असेट क्लास है जो बेस्ट रिटर्न देता है हिस्टोरिकली। बेयर मार्केट आएंगे, बुल मार्केट आएंगे, बेयर मार्केट के दौरान रूपी कॉस्ट एवरेजिंग आपके फेवर में काम करेगा। अब इसको इंप्लीमेंट कैसे करें ताकि इस दिशा में हम वेल्थ क्रिएट कर सकें, ये सबसे बड़ा चैलेंज है। और ये बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है, उसकी दो ही पॉसिबिलिटी हो सकती है। नंबर वन, या तो आपको स्टॉक मार्केट के बारे में नॉलेज अच्छा है, जहां पे आप फंडामेंटली साउंड बिजनेस के स्टॉक्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो आप 10 स्टॉक का पोर्टफोलियो बना सकते हैं और इस प्रोसेस को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। या अगर आपको स्टॉक मार्केट के बारे में या उसकी फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस के बारे में नॉलेज नहीं भी है, तो आप एक्सचेंज ट्रेडेड फंड जो हैं, जो इंडेक्स को ट्रैक करते हैं, जैसे निफ्टी 50 है, निफ्टी नेक्स्ट 50 है, बैंक निफ्टी है, इन इंडेक्स को पकड़ के आप इन्वेस्टमेंट चालू कर सकते हैं। और अल्टीमेटली ये इंडेक्स में इन्वेस्ट करने का सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि इसमें आप डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो को एक तरह से क्रिएट कर रहे हैं। निफ्टी 50 में 50 स्टॉक्स हैं जो इंडिया के टॉप कंपनीज के स्टॉक्स हैं, और वो स्टॉक्स कौन से हैं, अलग अलग सेक्टर के स्टॉक हैं। दूसरा, आपको ये चिंता नहीं करनी है कि ये स्टॉक खराब परफॉर्म करने लगा तो अब क्या करें। इंडेक्स की रीबैलेंसिंग समय समय पर होती है। अगर कोई स्टॉक अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, कोई बिजनेस अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो ऑटोमेटिकली रीबैलेंसिंग में उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन कम होने के कारण वो निफ्टी 50 इंडेक्स से बाहर चला जाएगा और कोई नया स्टॉक जो अच्छा परफॉर्म कर रहा है वो उसमें शामिल किया जाएगा। तो आपका निफ्टी 50 का ETF या निफ्टी नेक्स्ट 50 का ETF या बैंक निफ्टी के ETF में सेहत में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अल्टीमेटली जो एवरेज रिटर्न निफ्टी 50 या निफ्टी नेक्स्ट 50 बैंक निफ्टी में मिलता है वो आपको मिलता रहेगा। तो अब चलते हैं, एक नजर डालते हैं हिस्टोरिकली निफ्टी 50 ने, निफ्टी नेक्स्ट 50 ने और बैंक निफ्टी में क्या रिटर्न दिया है, जिससे आपको एक आइडिया लग सके कि अगर आपने ये स्ट्रेटजी को अडॉप्ट किया और निवेश किया तो क्या संभावित रिटर्न हो सकता है अगले 25-30 सालों के दौरान। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। अब हम रेफर कर रहे हैं NSE की ऑफिशियल वेबसाइट को, और ये निफ्टी 50 के एक हिस्टोरिकल रिटर्न्स को चेक करने की कोशिश कर रहे हैं। ये डेटा जो है वो अपडेटेड है 30th नवंबर 2023 तक, माने रीसेंट अपडेट है। सबसे पहले देखते हैं कि निफ्टी ने हिस्टोरिकली रिटर्न कैसा दिया है।
यहाँ पे देखिए पिछले 5 साल में इसने 13.11% का रिटर्न दिया है, जबकि सिंस इंसेप्शन इसने 11.28% का एक एवरेज रिटर्न दिया है। अगर टोटल रिटर्न की बात करें तो पिछले 5 साल में 14.46% का रिटर्न दिया है, क्योंकि इसमें डिविडेंड भी आप एंटाइटल्ड हैं। वो 50 स्टॉक्स जो हैं इसमें, इसमें किसी भी स्टॉक्स ने अगर डिविडेंड दिया और डिक्लेयर किया तो वो भी डिविडेंड आपको निफ्टी 50 के ETF में इन्वेस्ट करने में मिलता है। ये इंडेक्स लॉन्च कब हुआ? ये इंडेक्स लॉन्च हुआ 1996 में 22 अप्रैल को। इसका मतलब काफी लंबे पीरियड का डेटा है, तो हम बोल सकते हैं कि इंडेक्स में 11-12% का रिटर्न मिलने की लॉन्ग टर्म में एक संभावना बनती है। इस इंडेक्स का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस क्या है? इस इंडेक्स का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस है कि यहां पर आप देखें तो टॉप इंडिया की कंपनी है उसमें हम निवेश कर पाते हैं। कैसे निवेश कर पाते हैं टॉप कंपनी में? यहां पर अगर हम देखें ध्यान से तो अलग अलग सेक्टर में ये निवेश करती है। जैसे ये तो टॉप 10 कंपनीज है इस इंडेक्स की, HDFC बैंक है, रिलायंस इंडस्ट्री है, ICICI बैंक है, इंफोसिस है, ITC है, लार्सन एंड टूब्रो है, TCS है, एक्सिस बैंक है, कोटक बैंक है एंड भारती एयरटेल है। सेक्टर का कैसे डाइवर्सिफिकेशन होता है, जहां पर रिस्क काफी कम हो जाता है। फाइनेंशियल सर्विस में 35.26% का निवेश होता है, IT सेक्टर में 13.64% का निवेश होता है, ऑयल एंड गैस सेक्टर में 11.33% का, FMCG में 9.22% का, ऑटोमोबाइल में 6.63% का। ये परसेंटेज जरूर समय के साथ में चेंज होंगे, क्योंकि सेक्टर रोटेशन मार्केट में हमेशा प्ले में रहता है, बट बाय एंड लार्ज हम बोल सकते हैं कि 11-12% का रिटर्न निफ्टी 50 के ETF में हमें मिल सकता है। अभी हमने निफ्टी 50 जो फ्रंटलाइन इंडेक्स है उसके बारे में चर्चा की, अब चेक करते हैं निफ्टी नेक्स्ट 50 के बारे में कि इसने कैसा रिटर्न दिया है। इसे निफ्टी जूनियर के नाम से भी जाना जाता है, तो इसका भी डेटा अपडेटेड है 30 नवंबर 2023 तक का। ये इंडेक्स भी लॉन्च हुआ है दिसंबर 24, 1996 को, तो लंबा दौरान हो गया है। इस इंडेक्स ने जब से ये लॉन्च हुआ है कि इसका एवरेज रिटर्न जो रहा है 15.36% रहा है, तो इसने बेसिकली देखे तो निफ्टी 50 को आउट परफॉर्म किया है। ये डेटा से आपको एक आइडिया मिलेगा कि फोकस हमें कहाँ करना है, किस ETF को बाय करने से भविष्य में संभावनाएं बेहतर बनेगी। अब यहां पे देखे पिछले 5 साल का रिटर्न 11.72% है, लेकिन सिंस इंसेप्शन 15.36% का इसने रिटर्न दिया है। इस इंडेक्स की भी इंपॉर्टेंस क्या है कि यह भी एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाने में हमें मदद करता है। कैसे मदद करता है? यहां भी अलग अलग सेक्टर का वेटेज देखें तो फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर का वेटेज 21.32% है, FMCG 13.27% है, कंज्यूमर सर्विसेज 11.2% है, कैपिटल गुड्स का 10.63% का है। हम सभी जानते हैं कि रिसेंट टाइम में कैपिटल गुड्स सेक्टर ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। तो इस तरह से अलग अलग सेक्टर में हमारा पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड रहता है, जो रिस्क को मैनेज करने में हमें मदद करता है। इसमें भी टॉप कंपनीज यहाँ पर है, ट्रेंट है, श्रीराम फाइनेंस है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स है, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड है, चोला मंडलम है, TVS मोटर है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन है। तो इस तरह से कई स्टॉक हैं इसमें भी जिसमें हम निवेश करके एक 15.36% का एवरेज रिटर्न है, तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर भी हमें 15% के आसपास रिटर्न मिल सकता है। अब हम बात कर रहे हैं एक इंपॉर्टेंट इंडेक्स की, बैंक निफ्टी, जिसे निफ्टी बैंक के नाम से भी हम जानते हैं। ये डेटा भी अपडेटेड है 30 नवंबर का। सबसे पहले आपको ये याद रखना है दोस्तों कि अगर इंडिया की इकोनॉमी को ग्रो करना है तो बैंकिंग सेक्टर एक बहुत अहम रोल और इंपॉर्टेंट रोल अदा करेंगे। खास करके जो लोग यंग हैं, 25-30 साल की उम्र है उनकी, तो वो अपने लाइफ टाइम में इस देश की आजादी के 100 साल होते हुए देखेंगे, और उस समय पे एक एस्टिमेट के अनुसार जिस तरह से इंडियन इकोनॉमी ग्रो कर रही है, GDP में ग्रोथ रजिस्टर किया जा रहा है, तो आप अपने लाइफ टाइम में इंडिया को थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी के रूप में देखेंगे दुनिया भर में। और शायद इंडियन इकोनॉमी एक एस्टिमेट है कि 35 से 40 ट्रिलियन US डॉलर के साइज की इकोनॉमी होगी।
क्योंकि यहां पर भी पावर ऑफ कंपाउंडिंग काम करती है जब देश की जीडीपी के बारे में हम बात करते हैं। तो इकोनॉमी आज की डेट में 3 ट्रिलियन है, अगले साल 7% बढ़ेगी, उसके बाद उसके ऊपर में 7% बनेगी, तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग इंडिया के ग्रोथ में भी वो इफेक्ट दिखाएगा जो आज सब्जेक्ट है चर्चा का। तो यहां पर देखें, बैंक निफ्टी में टोटल 12 बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक्स हैं। इस सेक्टर के इंडेक्स का जन्म हुआ 2003 में 15 सितंबर। 15 सितंबर इंजीनियर्स डे जिस दिन था उस दिन इस सेक्टर का जन्म हुआ। इस सेक्टर ने एक फिनोमिनल रिटर्न दिया है। जब से ये सेक्टर का इंडेक्स आया है तब से अभी तक में 17.19% का रिटर्न है, लेकिन अगर टोटल रिटर्न पे ध्यान दें तो 18.74% का रिटर्न है, जिसमें डिविडेंड वगैरह सब शामिल है। इस इंडेक्स में एक क्षमता है 19-20% के रिटर्न देने की ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो ये तो मैं नहीं बोलूंगा कि सारा का सारा आदमी को पैसा बैंक निफ्टी में लगाना चाहिए, इसके ईटीएफ में, क्योंकि निफ्टी नेक्स्ट 50 और निफ्टी बैंक का कॉम्पिटिशन, ये कॉम्बिनेशन जो है शायद बेहतरीन कॉम्बिनेशन हो सकता है, क्योंकि निफ्टी नेक्स्ट 50 अलग अलग सेक्टर में डाइवर्सिफाइड है, जबकि बैंक निफ्टी केवल बैंकिंग सेक्टर में फोकस करता है। तो ये दोनों के कॉम्बिनेशन से हमने देखा कि निफ्टी नेक्स्ट 50 करीब 15% से थोड़ा ऊपर रिटर्न हिस्टोरिकली दिया है उसको, जबकि निफ्टी बैंक ने करीब 18.74%, नियरली 19% का रिटर्न दिया है। ये दो कॉम्बिनेशन एक अच्छे कॉम्बिनेशन हो सकते हैं लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट करने के अगले 25-30 साल के दौरान में। इस इंडेक्स का भी क्या इंपॉर्टेंस है, इस इंडेक्स का भी इंपॉर्टेंस है कि आप यहां पर ध्यान से देखें तो इस इंडेक्स में भी अच्छा खासा डाइवर्सिफिकेशन होता है बैंकिंग सेक्टर के अंदर में। टॉप बैंक्स के स्टॉक में हम निवेश करते हैं इंडिया के, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इंडसइंड बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, फेडरल बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। तो एक अच्छा कॉम्बिनेशन है पब्लिक सेक्टर बैंक एंड प्राइवेट सेक्टर बैंक्स का, जो ये इंडेक्स का निर्माण करता है और एक अच्छे रिटर्न देने की क्षमता रखता है। इस वीडियो प्रेजेंटेशन का सिर्फ उद्देश्य ये था कि आपको एक दिशा देना कि इन्वेस्टमेंट भी एक स्ट्रेस फ्री तरीके से किया जा सकता है, जहां पे हम कम रिस्कों को लेते हुए भी एक लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट के माध्यम से वेल्थ को क्रिएट कर सकते हैं। खास करके अगर आप यंग हैं और अपना करियर स्टार्ट कर रहे हैं, या कुछ सालों पहले आपने करियर को स्टार्ट किया है, तो इस दिशा में गौर दीजिए। और ईटीएफ एक बहुत पावरफुल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हो सकता है जिसके माध्यम से आप स्ट्रेस फ्री इन्वेस्टमेंट करके वेल्थ को क्रिएट कर सकते हैं। और भी डेटा को एनालाइज कीजिए, मेरा उद्देश्य था आपको एक दिशा दिखाना और मैं आशा करता हूं कि इससे आपको लाभ पहुंचा होगा। आपके कमेंट्स का हमें कमेंट सेक्शन में होगा बेसब्री से इंतजार। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, फिर मिलेंगे दोस्तों अति शीघ्र।